इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और रुपी को दुनिया माने एक हार्ड करेंसी अब हार्ड करेंसी क्या होती है देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कह लीजिए वहाँ पर हार्ड करेंसी सेफ हेवन हेवन नहीं हेवन होता है स्वर्ग हेवन होता है एक ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पे आप कुछ रख पाए तो सेफ हेवन करेंसी या फिर स्ट्रॉन्ग करेंसी ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये यूज की जाती है एक ऐसी करेंसी के लिए जो बहुत स्ट्रांग हो स्टेबल हो जिसकी वैल्यू कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा चेंज ना हो जाए फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर को आप देख लीजिए यूरो को कहा जाता है कि ये एक हार्ड करेंसी है जापनीज येन को कहा जाता रहा हार्ड करेंसी मगर आज के समय सिंह इसकी वैल्यू काफी गिर गई है तो बहुत से एनलिस्ट जापनीज येन को एक हार्ड करेंसी मानते नहीं है उसके अलावा स्विस फ्रैंक आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है और अब रिसेंटली यहाँ पर चाइनीज युआन भी ऐड हुआ है चाइनीज युआन भी बहुत से देश मानते हैं कि अब एक हार्ड करेंसी की लिस्ट में आ चुका है हाँ यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछूंगा